सो आज वीडियोज ऐसी ही बनेंगी पायरेट जैसा, बिकॉज आई हैव अ स्मॉल स्वेलिंग इन माई आईज एंड आई हेट मेकिंग वीडियोज लाइक दिस. यार कॉन्फिडेंस ही चली जाती है. तो जस्ट न्यूज अपडेट, हमारा जो प्रोजेक्ट कालू है वो टोटल रेडी हो गया BMW शोरूम. मेरे को ऑलरेडी फोटो आ चुका है, बाकी मैं आपको आज नहीं दिखा सकता. कल मैं जाऊंगा शायद शोरूम, मेरा एक्सेसरीज का इंस्टॉल है, तब मैं आपको फोटो खींच के इंस्टाग्राम में डालूंगा कि प्रोजेक्ट कालू कितना दूर गया है एंड क्या क्या चीज़ पूरा टोटल ब्लैक हो गया है. कल जाके बोला वीडियो आएगा, वेट करो वीडियो के लिए, थोड़ा सा और थोड़ा वेट बस, उसके बाद प्रोजेक्ट कालू इज गोइंग टू गेट अनवील्ड. इसको लगाने एंड खोलने में इतना ज्यादा काम नहीं लगता है, दिखता है एक्चुअली बहुत इजी है. सबसे मेन रीज़न है GSA को ऑर्डर करने का, वो है ये वाला जो इसका माउंटिंग किट, जो देख रहे हो ये वाला माउंटिंग किट, ये वाला माउंटिंग किट एंड इस तरफ जो ये दोनों साइड का ये जो माउंटिंग किट है, दिस ओनली माउंटिंग किट कॉस्ट क्लोज टू 80,000. GSA में ये वाला नहीं आता, इसको आप एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, बाकी GSA में इट कम्स विद द बाइक, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दिस थिंग. चलते हैं देखते हैं पैनल्स का कैसा डिज़ाइन करते हैं. सो अभी मेरा ऑलमोस्ट सब एक्सेसरीज तो आ चुके हैं, और भी 4-5 बाकी है, बाकी और भी 2-3 मेरे को लगाना है. क्योंकि ये वाला जो कार्बन फाइबर वाला देख रहे हो, ये वाला कार्बन फाइबर विद द लाइट्स, ये वाला शायद लगेगा और 20,000 एक्स्ट्रा. फिर यहाँ हमारा जो पीछे वाला जो ब्रेक लाइट है ये वाला, ये भी वही क्लियर वाटर का है, ये और 15,000 या 13,000 एक्स्ट्रा. देन आगे जो क्लियर वाटर का लाइट्स है, सोच रहा था नहीं लगाऊँ, बाकी अभी सोच रहा हूँ इसको भी लगा लेते हैं. अभी मैंने कोटेशन मांगा था ये लाइट एंड ये वाला कार्बन फाइबर का, जो बार्क बस्टर्स वाला कार्बन फाइबर वाला अपना जो हैंड गार्ड्स एंड वो जो पीछे वाला लाइट, ये टोटल बिल आ गया है क्लोज टू 1.66 लाख. थोड़ा वेट करके अभी इसी को भी लगा लेते हैं, देखते हैं हाउ मच टाइम इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम आई गेस. बट अभी के लिए ये जो 3 आइटम्स है इसको हम प्रोजेक्ट मतलब फेज 2 के लिए रखते हैं, क्योंकि फेज 2 इज गोइंग टू बी कार्बन फाइबर पार्ट्स एंड ये इसको रखते हैं मतलब फेज 3 के लिए. सो अगर सच बताऊं, मेरा ये टोटल प्लान में था ही नहीं पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स लेने का. सबसे पहला मैंने गाड़ी ऑर्डर कर दिया, उसके बाद बोला कि नहीं टॉप बॉक्स ले लेते हैं क्योंकि टॉप बॉक्स अच्छा दिखा. तो मैंने बोला कि आनंद भाई BMW शोरूम से टॉप बॉक्स को ऑर्डर कर दो. उन्होंने मेरे को तभी पूछा साइड पैनल्स ऑर्डर करना है, मतलब नहीं चाहिए. बोलो कि नहीं तुम्हें पक्का जरूरत होगा तो मैसेज करोगे चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए, ओनली टॉप बॉक्स ऑर्डर करो. उसके बाद 5 दिन के बाद, अरे आनंद भाई वो साइड वाला बॉक्स कितना पैसा आएगा वो दो भी ऑर्डर कर दो. तो बेसिकली मेरे को सबसे पहला मैंने प्लान किया था ये तीनों चीज़ नहीं लेना है, उसके बाद ऑल द 3 आइटम्स आई हैव ऑर्डर्ड. शॉक बड़ी चीज़ है. तो ये जो 3 बॉक्स है इसको बोलते हैं, ये दोनों को बोलते हैं पैनियर्स एंड इसको बोलते हैं टॉप बॉक्स. एंड ये जो वही 3 सेम आइटम है जो मैं बोल रहा था कि इसको मैं ऑर्डर नहीं करूंगा, बट आई स्टिल वेंट एंड ऑर्डर्ड एंड आई एम जस्ट यूजिंग दोज 3 बॉक्सेस ऑफ माई फ्रेंड्स GSA बाइक जस्ट फॉर द रेफरेंस एंड जस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स. ये मेरा बॉक्स नहीं है, उनका बॉक्स है. मेरा बॉक्स ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, वो BMW जिस दिन मैं डिलीवरी लूंगा उस दिन वो डिलीवरी ला के उसके बाद रैप किया जाएगा. ये वाला जो 3 बॉक्स आप देख रहे हो, BMW डजंट शिप द बॉक्स लाइक दिस, दे नॉर्मली शिप इट लाइक नॉर्मल ब्लैक और नॉर्मल एल्युमिनियम कलर, उसके बाद आपको रैप करना पड़ता है एंड दैट रैप इज क्रेजी एक्सपेंसिव. मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा कि रैप कहाँ से ऑर्डर किया गया है एंड रैप एग्जैक्टली कितना पैसा लगेगा. बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है बॉस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. एंड फॉर योर नॉलेज ये जो 3 बॉक्स है आपको टोटल इसका प्राइस आएगा क्लोज टू 1.6 लाख जस्ट फॉर द 3 बॉक्सेस. माउंटिंग किट टोटल अलग से, अगर आप GS चलाते हो वो माउंटिंग किट और एक्स्ट्रा 75,000 या 80,000, GSA चलाते हो तो वो ऑल माउंटिंग किट रहता है. ओनली ये 3 बॉक्स एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है. बाकी और एक पॉइंट है, ये बॉक्स में जो लॉक्स आप देख रहे हो ये वाला लॉक बॉक्स के साथ नहीं आता है, तो टोटल 3 का फिर अलग से लॉक वाला किट खरीदना पड़ता है, वो फिर एक्स्ट्रा पैसा लगता है. एंड ये जो टॉप बॉक्स के पीछे ये जो देख रहे हो आप सीट का जो सपोर्ट, ये भी इसके साथ नहीं आता, इसके लिए भी आपको और क्लोज टू वही 9,000 या 8,000 ऐसा कुछ पे करना पड़ता है. सो बेसिकली ऑल इन ऑल यू आर लुकिंग फॉर एक्सपेंस ऑफ समवेयर क्लोज टू 1.8 या 1.9 लाख इंक्लूडिंग एवरीथिंग. बट मेरे को एक अच्छा प्राइस में मिल गया, उसलिए मैं 3 को ही ऑर्डर कर दिया. मेरे को शायद टोटल डिस्काउंट हो गया क्लोज टू वही 60,000 का, मेरे को डिस्काउंट मिल गया 3 बॉक्स ऑर्डर करने, क्योंकि आई एक्चुअली डिड नॉट नीड दोज साइड पैनल्स, क्योंकि मेरे को ये पिज्जा बॉय सा दिखता है. अगर टोटल 3 बॉक्स लगा देंगे द बाइक एक्चुअली लुक्स वेरी बिग एंड इट एक्चुअली लुक्स लाइक ए पिज्जा डिलीवरी बॉय, पिज्जा डिलीवरी मतलब बाइक जैसा दिखता है. उसलिए मैं साइड वाला बॉक्स तो नहीं लगाने वाला, आई एम जस्ट गोना यूज दिस टॉप बॉक्स, क्योंकि टॉप बॉक्स अच्छा दिखता है. एंड मेरा एक्चुअल ओनली रिक्वायरमेंट गेटिंग ए GSA वॉज टूरिंग एंड द मेन रिक्वायरमेंट वॉज गेटिंग माई ड्रोन एंड द कैमरा इनसाइड दिस बैग.
अगर साइड वाला बॉक्स में तो मेरे को कपड़ा या खाना वाला नहीं जाना, क्योंकि मेरा जो रोड ट्रिप्स रहता है, मेरा हर रोड ट्रिप में मेरे पास एक कार रहना चाहिए, कार जाता है उसके साथ मेरा कपड़ा जाता है, उसके साथ मेरा खाना वाना जाता है। सो अपने को बस खाली अगर कार मतलब ये बाइक में अगर टॉप बॉक्स में यहाँ पर कैमरा और ड्रोन फिट हो गया और एक पानी का बॉटल फिट हो गया, आई एम डन विथ इट। मेरे को साइड वाला पैनल जस्ट आई हैव गॉट जस्ट फॉर माई बैकअप, सो जस्ट इन केस वी आर डूइंग सम लॉन्ग ट्रिप जहाँ की हमारे पास कार नहीं होगा, उस दिन मैं साइड वाला लगाऊंगा, उसमें ठूस के लेके जाऊंगा। बट फॉर नाउ फॉर ऑल ऑफ माई राइड्स आई एम नॉर्मली ऑल मतलब मैं नॉर्मली यही वाला अपना टॉप बॉक्स यूज करूंगा, साइड पैनल्स आई एम जस्ट गोना कीप इट इन माई होम। एंड ये जो तीन बॉक्स आप देख रहे हो ये ऐसा कुछ नहीं, पूरा नॉर्मल बिल्ड है। इतना पैसा जो लेता है BMW, इट्स रियली वेरी 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 वेल बिल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा हेवी है, तीन बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद मतलब बाइक ऑलरेडी बहुत हेवी हो जाता है, ये तीन बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद ये तीन को उस दिन खोल के चलाया, द बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट। देखो अभी इसका जो मेन टेंशन ये है, ये जो पैनियर्स आता है ये टोटल ब्लैंक हो गया था, या तो पूरा ब्लैक या तो पूरा एल्यूमिनियम कलर। मैं तो एल्यूमिनियम कलर ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल ब्लैक वाला वो वाला मैंने ऑर्डर किया है, वो आने के बाद उसको टोटल रैप करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ब्लैक अच्छा भी नहीं दिखेगा। उसके ऊपर अच्छा वाला ग्राफिक्स में डिज़ाइन करके भेज चुका हूँ, वो वाला रैप होने के बाद ही एक्चुअली अच्छा दिखेगा, बाकी जब तक वो रैप आया नहीं है तब तक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड मेरा जो रैप का डिज़ाइन है वो मेरा रैप होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ये वाला सेम सर्विस अगर आपको चाहिए, इफ़ यू आर समवन हु इज राइडिंग ए GS और GSA, अगर आपको ऐसा रैप चाहिए, देन वेट फॉर माय सर्विस ऑन SBK स्टोर। वेरी वेरी सून वी आर गोइंग टू एड दिस सर्विस मतलब दिस प्रोडक्ट एज ए सर्विस ऑन आर वेबसाइट, सो एटलीस्ट यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम आर वेबसाइट। क्योंकि अभी जो मैं लंदन से ये चीज़ ऑर्डर कर रहा हूँ, इट्स गोइंग टू कॉस्ट मी क्लोज टू 50,000 या 55,000 जस्ट फॉर रैप। मतलब वो जो शिपमेंट रहेगा वो हार्डली मतलब 5 सेंटीमीटर के छोटा वाला पैकेट रहेगा, बट आई हैव टू स्पेंड क्लोज टू 50,000 टू गेट द रैप जस्ट फॉर 3 बॉक्सेस। एंड आई एम स्पेंडिंग दिस बिग अमाउंट क्योंकि मेरे को देखना है कि वो लोग कैसा क्वालिटी में करते हैं, इफ यू कैन डू एग्जैक्टली द सेम हियर इन इंडिया, एंड इफ आई कैन डू दैट देन मे बी आई वुड बी एबल टू सेल इट फॉर लेस देन 20,000 or 25,000, क्योंकि 50,000 इज मैन वे टू मच फॉर जस्ट फॉर द रैप। यार पूरा पूरा कार रैप हो जाती है 50,000 में तीन बॉक्स को रैप करोगे, यार ये तो लूट मची हुई है। And if you want to know where did I order those wraps, I ordered from one of the store, one of the painter actually from London. So he's going to ship it to me with FedEx. So मेरे को शायद वो ship कर देगा next week तक, क्योंकि मैंने अपना मेरा वाला design उसको दे दिया है। वो जो normally customer को जो चार्ज करता है, जो मैंने उसको मेरा वाला custom design with all the PSD files and all the Photoshop files have given it to him, उसके बाद उसने कहा कि नहीं उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो मतलब क्लोज टू मेरे को लंडन में इट्स गोइंग टू कॉस्ट मी समवेयर क्लोज टू 32,000, शिपिंग के लिए पकड़ लो और 5,000 से 7,000, उसके बाद ड्यूटी आएगा एक मोटा वाला 50,000 मतलब 50% का एक बिल, मतलब 50% आता है जो अपना कस्टम ड्यूटी। सो क्लोज टू 50,000 इज गोइंग टू कॉस्ट मी जस्ट फॉर द 3 बॉक्सेस रैप। एक बार आने के बाद उसके बाद जब रैप होगा उस दिन मैं एक अच्छा वाला एक ब्लॉग बनाकर मैं दिखा दूंगा रैप कैसे आता है, उसको कैसे रैप करते हैं, एंड ये कैसा मतलब पूरा 100% रैप हुआ है। देखो मतलब कितना मस्त परफेक्शन, एटलीस्ट देखो ये बॉक्स का कितना जबरदस्त रैप है, पूरा एंड टू एंड कहीं एक भी बबल भी नहीं है। दैट इज हाउ इट्स वेल डन, एंड यू कैन सी दैट इट लुक्स सो गुड इन दिस रैप। नॉर्मल वाला जो एल्युमिनियम बॉक्स बहुत ही खराब दिखता है, रैप करने के बाद बाइक का टोटल लुक ही चेंज। सो इफ यू आर समवन हु इज राइडिंग ए GS और GSA, यू एब्सोल्युटली नीड टू हैव सम काइंड ऑफ रैप लाइक दिस। एंड ये जो पैनियर्स बॉक्स एंड टॉप बॉक्स है, इसको बाइक से खोल के बेसमेंट से घर तक लाने में जो हवा निकला है, क्योंकि ये बहुत एक्चुअली वेट है, ऐसा नहीं कि इट्स लाइट वेट। बाकी मैंने इसको अभी लेके आया क्योंकि अभी इसका टोटल फोटो उठाना है हर एंगल से, वो डिजाइनर को देना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फोटोशॉप में डिजाइन कर चुका हूँ, बाकी वो रैप एटिट जो है लंदन में उसको एक्जैक्टली भेजना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ जाएगा। आई एम एक्चुअली गिविंग यू अ हिंट, सो बेसिकली आई एम डिजाइनिंग इट विथ माई ओन लोगो SJ लोगो, एंड एक तरफ में हम लोग डाल देंगे सोम जेना चैनल का डिटेल्स, एंड एक तरफ में डाल देंगे उड़िया टोका का डिटेल्स, एंड पीछे में अपना SJ का लोगो जाएगा। दैट इज हाउ आई डिजाइन माई थिंग। सो अभी मेरे को जस्ट फोटो उठाना है, फोटो उठा के उसको एक्जैक्टली फोटोशॉप में पिन पॉइंट करके उसको भेजना है कि कैसे एक्जैक्टली मेरे को डिजाइन चाहिए। फोटो फटाक से लेते हैं, उसके बाद आई नीड टू गो एट डू दिस एडिट एंड पब्लिश दिस वीडियो एज वेल, देन गो टू स्लीप। सो यही है इसका डिटेल्स। सो बेसिकली यू हैव टू स्पेंड क्लोज टू 1.7 और 1.8 लैक्स फॉर द बॉक्सेस, लॉक्स एंड द बैक सपोर्ट, देन यू हैव टू स्पेंड मोर 50,000 फॉर द रैप्स। अगर मेरा SBK स्टोर में ये वाला सर्विस ऐड हो जाता है, यू कैन इजीली सेव क्लोज टू 30,000, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रिलीज दिस सेम सर्विस फॉर लेस देन 20 या 25,000। अगर हो जाता है तो अभी देखते हैं कितना डिमांड है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि लोग गाड़ी पे तो 20-30 लाख खर्चा कर देंगे,
अगर कोई छोटा चीज में अगर 10,000 भी पकड़ो तो वो बोलेंगे नहीं हमें नहीं देना है, बाकी गाड़ी में पूरा पैसा खर्चा करेंगे दिखाने के लिए, उसके बाद सेफ्टी गियर एक्सेसरीज में पैसा खर्चा नहीं करते। बाकी एनीवेज, सो आई एम गोना डू इट एंड आई एम प्रोड्यूस योर व्यूअर्स हु आर राइडिंग जीएस और जीएसए, दे आर ऑल्सो गोइंग टू स्पेंड वंस दे सी माई बाइक हाउ इट लुक्स विद ऑल दैट एंड ऑल दोस गिज़्मोस एंड ऑल दोस स्टफ। सो आई मीन आई कैनॉट वेट टू शो यू गाइज द वीडियो ऑफ द बाइक वंस इट्स रेडी, सो वो वीडियो के लिए वेट करो। रैप वाला पूरा हो जाने के बाद अलग से एक डिटेल वाला ब्लॉग आएगा। So that's it for today's video. I just want to tell you about this Panniers box कि हम कैसे इसको डिजाइन कर रहे हैं, कैसे इसका रैप पैप ऑर्डर हुआ है, एंड जब आ जाएगा उसके बाद एक और एक वाला डिटेल वाला ब्लॉग आएगा। एंड ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक मार देना, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों को ही बोलो कि सोम भाई हर दिन अभी डेली ब्लॉग्स बना रहे फॉर लास्ट 20 डेज। मैं आज जाके जस्ट एनालिटिक्स देख रहा था, फॉर लास्ट 20 डेज आई हैवंट मिस्ड अ सिंगल डे, हर दिन सुबह 9 बजे एक एक वीडियो आया। सो लेट्स सी हाउ मच वी कैन कंटिन्यू विद दिस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डेली ब्लॉग्स बनाने से एक्चुअल ट्रैफिक आता है। सो या मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज मैं एक्जैक्टली लॉग करने वाला हूँ कि एक व्लॉग बनाने के लिए कितना एक्जैक्टली टाइम लगा। अभी 9:16 हुआ है, हम एक्टिविटी मॉनिटर जाके एक बार एक्टिविटी को शुरू कर देते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इसको स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये शुरू हुआ 9:16:00 से स्टार्ट हुआ, अभी देखते हैं पूरा वीडियो खत्म करके। लेट मी गेट बैक एंड आई एम गोना शो यू हाउ मच टाइम एग्जैक्टली टेक्स टू डू वन व्लॉग। डन विद द व्लॉग एंड इट एग्जैक्टली टुक 67 मिनट्स। सो एक व्लॉग मतलब हार्डली 10 मिनट भी नहीं होगा, उसके लिए एक घंटा से ज़्यादा टाइम लगता है शूट करने के लिए। अभी एडिट करने में और 2 या 2.5 घंटा लग गया भाई। वेर इज माई पायरेट मास्क फॉर माई आई बनोजी। अबे पूरा मैंने लागू पड़ चुकी था। How much time do you need to make it? It's done. Hey, who gave him my car? Hey, my car, give me. Give me the car, give me the car. Let's go, let's go. Mask pen gaya hai. Oi.